हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपके चेहरे पर झुर्रियों की समस्या तेजी से बढ़ गई है, यानी कि फ्रेंड्स आपके चेहरे पर झुर्रियां काफी ज्यादा दिखाई देने लगी है, लेकिन आपकी उम्र कुछ भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स सही खानपान ना होने के कारण हमारा शरीर फूलने लग जाता है, और फ्रेंड्स जब हमारा शरीर तेजी से फूलने लग जाता है तो हमारे चेहरे पर भी इसका असर आता है, यानी कि हमारे चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लग जाती है। अगर फ्रेंड्स आपके चेहरे पर झुर्रियों की समस्या तेजी से बढ़ गई है और आपके चेहरे पर झुर्रियां बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देने लगी है, तो आज मैं आपको जो नुस्खा बताऊंगी, इस नुस्खे से आप अपने चेहरे की झुर्रियों को हमेशा के लिए रिमूव कर सकते हैं, यानी कि उन्हें हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। फ्रेंड्स, कम उम्र के कारण चेहरे पर झुर्रियां होना एक बहुत ही बड़ी समस्या है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप बढ़ती उम्र की ओर भी जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें कि जिससे आप हमेशा यंग खूबसूरत ही दिखाई दे, तो इसका यूज़ करना ना भूलें। ये फ्रेंड्स आपके चेहरे को हमेशा के लिए यंग बना के रखेगा और आपके चेहरे पर कभी भी झुर्रियों की समस्या को नहीं आने देगा। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते चलिए शुरू करते हैं इस नुस्खे को। इसे बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक चम्मच बेसन लेना होगा। इस तरह से आप इसमें एक चम्मच बेसन का ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद आपको इसमें सेकंड चीज़ ऐड करनी है, वो है टर्मरिक पाउडर। फ्रेंड्स, हल्दी हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये हमारे चेहरे से डार्ट, पॉल्यूशन, गंदगी, काले दाग धब्बे, पिंपल्स आदि की समस्या को हमारे चेहरे से रिमूव करके रखती है और चेहरे के रंग को इतना तेज़ी से गोरा बनाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शादी के वक्त दूल्हा और दुल्हन को हल्दी का लेप लगाया जाता है। हल्दी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है, हमारे खाने में, हमारे फेस के लिए, अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना होगा रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। कच्चा दूध फ्रेंड्स हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम इसका यूज़ अपने चेहरे पर कर लेते हैं तो ये एक ही बार में हमारे चेहरे की पूरी गंदगी को हटाकर हमारे चेहरे के रंग को तेज़ी से गोरा बना देती है। आपको इसमें इतना मिल्क ऐड करनी है कि गाढ़ा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। आप देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। मिक्स होने के बाद आपको इसे अपने फेस पर लगाना होगा। आपको इसे अपने फेस पर लगाना कैसे है? आपको इसे अपने फेस पर लगाने के लिए फ्रेंड्स एक पैक की तरह इसको इस्तेमाल करना होगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप इसे अपने चेहरे पर, पूरे चेहरे पर एक पैक की तरह लगा लीजिएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप इसे अपने पूरे चेहरे पर पैक की तरह लगाकर छोड़ दीजिए। जब ये आपके चेहरे पर सूख जाएगा तो आपको इसे नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे से हटा लेना होगा। आपको इसका यूज़ अपने चेहरे पर वीक में दो बार करना है, और फ्रेंड्स लगातार दो वीक आप यूज़ कीजिए और आप देखेंगे कि आपके चेहरे से झुर्रियाँ कैसे तेज़ी से रिमूव हो गई हैं। और अगर आपके चेहरे पर ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ गई है तो आपको इसका यूज़ लगातार 1 मंथ तक करना होगा। ऐसा करने से आपके चेहरे की झुर्रियाँ हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। और अगर आप बढ़ती उम्र से बाहर निकलना चाहते हैं या उसमें जाना ही नहीं चाहते, तो 15 दिन में एक बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करते रहिएगा। तो आप इसका यूज़ कीजिए और अपने चेहरे को सुंदर, गोरा और निखरा हुआ बनाइएगा। तो ये था आज का मेरा नुस्खा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।